Hey everyone, welcome back to our channel and welcome to our new vlog. आज हम लोगों ने सोचा हम लोग थोड़ा हेलसिंकी एक्सप्लोर करते हैं और हमारा जो फर्स्ट स्पॉट है वो है काम्पी चैपल। तो मेरे पीछे देख सकते हो, बेसिकली इस जगह का जो आइडिया है वो है आप एक इट्स अ रिलीजियस प्लेस, आप अंदर जाके पीसफुली बैठ सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ लोग ग्रुप्स में आते हैं, थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं और हेलसिंकी की इतनी फास्ट मूविंग लाइफ में आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे कोई नॉइस नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसा है, लेट्स गो। कुछ ऐसा दिखता है ये अंदर से, पूरा वुडन स्ट्रक्चर है और इसका डिज़ाइन ओवल शेप का है जो कि बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी चर्च जैसी फीलिंग आती है। आप अंदर बैठ के प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है बस यही है कि आप यहाँ आओ, कुछ देर शांति से बैठो और रिलैक्स करो। ये है हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन विच इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड बिकॉज इट वॉज बिल्ट इन 1919। ये फेमस है अपने आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के लिए एंड ऑल्सो इट वॉज चोजन एज द मोस्ट ब्यूटिफुल रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड इन 2013। ये जो आप स्टैच्यू देख रहे हैं ये है थ्री स्मिथ स्टैच्यू, बिकॉज यू कैन सी देर आर थ्री स्मिथ्स वर्किंग विद देयर हैमर्स। दिस स्क्वायर इज कॉल्ड थ्री स्मिथ स्क्वायर एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर मीटिंग प्लेस। इस जगह की एक खास बात और है कि विंटर्स में जब यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तब भी इस पे बर्फ नहीं जमती, क्योंकि इस स्ट्रीट के नीचे एक हीटिंग सिस्टम लगाया है जो कि इस स्ट्रीट को स्नो फ्री रखता है। हम लोग लंच कर रहे हैं पिज्ज़ा, जब से हम आए तब से हम पिज्ज़ा ही खा रहे हैं ना। मैंने घर पे खाना बनाया मतलब सबसे ज्यादा अगर बाहर कुछ खाया तो पिज्ज़ा खाया। लेट्स एंजॉय द मील। फिनलैंड में वैसे खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है। हम लोगों ने ये जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए इसका कॉस्ट था 14 यूरोस पर पिज़्ज़ा और इसके साथ हम लोगों ने कुछ कॉफ़ीज़ भी ऑर्डर करी, वो थी अराउंड 6 यूरोस पर कॉफ़ी। सो अकॉर्डिंगली हमारा बिल आया टोटल 47 यूरोस। हम लोगों का लंच कंप्लीट हो गया है। लंच करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर को फिनिश में बोलते हैं काउपरथोली। ये एक तरह का फ्ली मार्केट है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए, हैंडक्राफ्टेड चीज़ें मिल जाएंगी, सुवीनियर मिल जाएंगे। तो हम लोग सोचे हम लोग भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना एक फ्रिज मैग्नेट तो मैंडेटरी है, मिनिमम वो तो लेते ही हैं और भी बाकी चीज़ जो भी पसंद आ जाए वो ले लेते हैं। तो वही हम लोग एक्चुअली चूज़ कर रहे हैं कि क्या लेंगे यहाँ से। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है ये है हेलसिंकी सिटी हॉल। इस पूरी स्ट्रीट में आपको काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज मिल जाएंगे और इसी लेन में आपको काफ़ी सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी भी मिलेगी। ये जो लेन है ये जस्ट अपोजिट है मार्केट स्क्वायर के, जिसको हम लोग अभी जस्ट एक्सप्लोर करके आए हैं। मार्केट स्क्वायर के ठीक पीछे है हेलसिंकी पोर्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पैसेंजर पोर्ट इन यूरोप एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन बोर्ड द फेरीज एंड बोट्स टू द नियर बाय आइलैंड्स। गाइज हम लोग अभी पहुंच गए हैं
हेलसिंकी के सबसे सुंदर स्पॉट पे, इवन फिनलैंड के सबसे सुंदर स्पॉट पे, पहले आप थोड़ा सा देख लो वो कैसा है, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हाउज इट गाइज, है ना बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। हम लोग अभी खड़े हैं हेलसिंकी कैथेड्रल के बाहर, जिसको सेंट निकोलस चर्च भी बोलते हैं। इस कैथेड्रल की खास बात यह है दैट इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी, और ये जो स्क्वायर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसको बोलते हैं सेनेट स्क्वायर। हम लोग इसके अंदर जाएंगे, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ये जो चर्च है ये काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 190 ईयर्स ओल्ड। हम लोग देखते हैं अंदर से इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, लेट्स सी। हम लोग अभी चर्च के अंदर आ गए हैं। जितना ये बाहर से ब्यूटीफुल है ना, उतना ही अंदर से भी सुंदर है। आप अगर देखोगे वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और लैम्प्स एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो पेंटिंग देख रहे हैं वो जीसस की बरियल की पेंटिंग है, उनके रिजरेक्शन के पहले की।